हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केल्सी क्रूडा इफेक्ट के बारे में। केल्सी क्रूडा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम टेक्सचर एंड पेंटेड लेयर्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके एक यूनिक लुक अचीव कर सकते हैं। केल्सी क्रूडा एक परफेक्ट टेक्निक हो सकती है किसी भी लिविंग रूम को स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करने के लिए। ये एक ईजी टू अप्लाई टेक्निक है जिससे हम डिफरेंट वेज में डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। चाहे फिर आप मॉडर्न या क्लासिक कोई भी लुक वॉल को देना चाहते हो, आपके डिजायर्ड लुक को अचीव करने में केल्सी क्रूडा आपकी हेल्प जरूर करेगा। केल्सी क्रूडा टेक्सचर पेंट वॉल डिज़ाइन एक एलिगेंट और स्टाइलिश लुक क्रिएट करता है विद द बोल्डनेस ऑफ अनफिनिश्ड स्टोन। इसीलिए इसे टेक्सचर के अलावा स्टेंसिल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। ये एक रफ डिज़ाइन होती है जो ओवरऑल लुक को इन्हेंस करता है, जिसे टच करके भी फील किया जा सकता है। केल्सी क्रूडा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वॉल प्रिपेयर करनी होगी, जिसके लिए हम 2 coats ऑफ पुट्टी एंड 1 coat ऑफ प्राइमर अप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस हमने एशियन पेंट्स प्रीमियम इमल्सन का बेस कोट अप्लाई किया है, जिसमें हमने ग्रे कलर कंसिडर किया है। साथ ही कुछ केल्सी क्रूडा का मटेरियल भी मिक्स किया है ताकि वॉल पर रफनेस बनी रहे। फर्स्ट बेस कोट को अप्लाई करने के बाद 2 से 3 hours तक वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके, एंड फिर बेस कोट की सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे और फिर उसे भी 4 से 5 hours तक सूखने देंगे। इसके बाद केल्सी क्रूडा डिज़ाइन के लिए एशियन पेंट्स का केल्सी क्रूडा मटेरियल लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और कोई भी कलर इसमें मिक्स करें। यहाँ हमने ग्रे कलर चूज़ किया है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। कलर ड्राइव डिफरेंट कस्टमाइज डिज़ाइन प्रोवाइड करती है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। चूज की हुई डिजाइंस के अकॉर्डिंग स्टेंसिल्स बनाई जाती हैं। इन स्टेंसिल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया जाता है ताकि वॉल पर आसानी से डिजाइन अप्लाई की जा सके। विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप इन स्टेंसिल्स को वॉल पर स्टिक किया जाता है, एंड देन मटेरियल को हल्के हाथों से ट्रॉवल की मदद से वॉल पर लगाना है। हल्का ड्राई होने के बाद स्टेंसिल को रिमूव कर लें, और इस पेस्ट को हर जगह अप्लाई नहीं करना है, बट जहां जहां कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है सिर्फ वहीं इसे अप्लाई करें, लाइक कॉर्नर्स या फिर कहीं पर स्टेंसिल के मिड में इस पेस्ट को अप्लाई करें। ऑल इन ऑल इसे नॉर्मल स्टेंसिल के जैसे पूरा कवर नहीं करना है, बल्कि रेंडमली पेस्ट को अप्लाई करना है। बाकी बची हुई स्पेस में हम केल्सी क्रूडा मटेरियल को अप्लाई करेंगे, जिससे वॉल का कोई भी पोर्शन ब्लेंक न दिखे। रफली पूरे मटेरियल को ऐड करने के बाद इसे स्पंज से वॉश करना है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से बफिंग करेंगे ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो जाए। इसे ड्राई होने के लिए ऑलमोस्ट 8 hours लगते हैं। ड्राई होने के बाद इस पे एशियन पेंट्स का प्रोटेक्टिव कोट अप्लाई करेंगे। प्रोटेक्टिव कोट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इसकी फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद उसे ड्राई होने देंगे। आफ्टर दिस प्रोटेक्टिव कोट की सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे, सेकेंड लेयर के साथ कोई भी कलर मिक्स कर लेंगे, लाइक इस केस में हमने ग्रे कलर ऐड किया है। अप्लाई करने के बाद इसे स्पंज से वॉश करेंगे ताकि थोड़ी सी इसकी रफनेस बरकरार रहे और ये नॉर्मल पेंट की तरह ना दिखे। एंड नाउ हमारा फाइनल लुक रेडी है। Thanks for watching the video. For more amazing content, subscribe to the channel.